आती है हेलो पेज नंबर 41 पेज नंबर 41 निकाला पेज नंबर 141 पे आपको तीन पैराग्राफ दिए जरा 3-4 स्मॉल पैराग्राफ आ जाए 2 मिनट गिविंग यू टू रीड ऑल 3 पैराग्राफ जस्ट रीड करो 3 मिनट ह्यूमन रिसोर्स समझ में आ रहा है क्या देखो कुछ अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन पेज नंबर 41 पे ह्यूमन रिसोर्स चलो लेट्स सी थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद तुम पता चला ओरली पहले बात करते बाद में टेक्सचर बदलते हैं एनीवन हैज अंडरस्टूड एनीथिंग समथिंग सी लिसन आई टेल यू दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री इंडिया एकदम सिंपल समझाता हूं बिकॉज़ टेक्सचर लैंग्वेज विल थोड़ा लिटिल बिट इट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड राइट कोई भी कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ लेट मी टेल यू और कोई भी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीपल अगर सिंपल समझाने से मैं बोलूं आप कितने भी स्कूल्स खोलो कितने भी कॉलेज खोलो कितने भी रोड अच्छे बनाओ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देगी वेयर हाउसिंग देगी सब कुछ देंगे बट पब्लिक टैलेंटेड नहीं है उनमें एबिलिटी नहीं है कैपेबल नहीं है क्षमता नहीं है ये सब वेस्ट है बात समझ रहे हो मतलब शॉर्टकट में और रिवर्स में चलता हूं अगर इंडिया को ग्रो करना है और
डेवलपिंग से डेवलप बनना है तो यहाँ के पब्लिक भी डेवलप होने चाहिए, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, इनमें टैलेंटेड टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। मतलब जैसे जब मतलब शॉर्टकट में सब कंसेप्ट कहां से कहा जाता है, जब हमारे कंट्री के ह्यूमंस का डेवलपमेंट होगा तब हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट, करेक्ट है? व्हेन द पीपल विल ग्रो देन कंट्री विल ऑटोमेटिकली ग्रो। इफ हमारे कंट्री में जो जनता है 120 130 करोड़ की, अगर वो इलिटरेट है, उनमें कोई स्किल नहीं है, उनमें कुछ टैलेंट नहीं है, तो हाउ यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कंट्री, कंट्री शुड बी ग्रो। कंट्री कब ग्रो होगी? जब डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा? जब कंट्री का ग्रोथ कब होगा? जब ह्यूमन का ग्रोथ होगा, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, राइट सर? करेक्ट है कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग किस्म का है, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। सी, अब कंट्री के लिए रिसोर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साधन, साधन, करेक्ट है? अगर कोई भी एग्जांपल कंट्री का छोड़ दो, एनी बिजनेसमैन अगर बिजनेस को उसको डेवलप करना है तो ही नीड सम काइंड ऑफ रिसोर्स, साधन लगेगा, जैसे रॉ मटेरियल लगेगा, मशीनरी लगेगा, कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, बस सबसे साथ में उसके साथ एक चीज और लगेगी, बोलो, एम्प्लॉयमेंट, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, बराबर ना? मैन पावर, बराबर ना? अगर मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, रॉ मटेरियल है, मेरे पास बहुत मतलब ये मशीनरी है, लेटेस्ट टेक्निक है, लेकिन अगर मैन पावर अच्छी नहीं है तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा बेटा। तो उस टेक्निकल मशीन को चलाने के लिए टेक्निकल इंसान भी तो चाहिए। अब गांव में जाओगे और लैपटॉप ओपन करके बैठोगे और किसान के सामने बैठोगे, इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट? करेक्ट है? आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, यू विल फिनिश योर बीकॉम इन नेक्स्ट 4 years डाउन द लाइन। यू सेड दैट ईच एंड एवरी बिजनेसमैन हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सब अपने ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग लैंग्वेज बोलना चालू करोगे। बट वेन यू सी there are so many people on the street, those who are selling the goods, they are not maintaining the records, right? So point kya tha bhai, bharat grow hoga, bharat success bhi hoga jab yahan ke log growth honge, yahan ke jab yahan ke logon ke mein other development hoga, that's called human resource development, it's called human resource development. Jaise ek businessman ke liye उनका एक रिसोर्स उनकी मैन पावर होती है, तो कंट्री का ग्रोथ और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कंट्री का रिसोर्स क्या बन जाएगा? उसकी पॉपुलेशन, बराबर है ना? तो ये इंडिया का रिसोर्स, इंडिया का पॉपुलेशन, इट्स अ वन काइंड ऑफ रिसोर्स, मतलब जिसको हम लोग शायद निगेटिव बोल रहे कि इंडिया का पॉपुलेशन इज वेरी हाई, जस्ट थिंक अबाउट इट, रिवर्स कैलकुलेशन ले लो, जब 130 करोड़ की जनता जब टैलेंटेड रहेगी, स्किल रहेगी, टेक्निकल रहेगी, तो कोई कंट्री उसके सामने खड़ी भी नहीं रहेगी। सो नाउ दिस पीपल आर ट्राइंग टू डेवलप द पीपल्स, इसीलिए इतना सब कुछ आप पढ़ रहे हो, व्हाई यू आर लर्निंग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, व्हाई पीपल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन एजुकेशन, क्यों खर्चा कर रही है 19,000-20,000 करोड़, उससे अच्छा लोग गवर्नमेंट रोड बनाएगी, बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालेगी, कम्युनिटी, अरे लेकिन जब एजुकेशन रहेगा तभी तो स्किल रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगी। आप जैसे लोग क्यों आए इधर पढ़ने के लिए? जब आप क्रिएटिव बनोगे तब सामने वाले को भी क्रिएटिविटी दोगे, राइट है? मतलब यू आर हियर टू डेवलप योर सेल्फ, आप यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने के लिए आए हो। जब आप डेवलप होगे तब आपकी फैमिली को डेवलप करोगे, अरे जब आपकी फैमिली डेवलप होगी, जब सबकी फैमिली डेवलप होगी तो सिटी डेवलप होगी, जब सिटी डेवलप होगी तब अपना स्टेट डेवलप होगा, और सारे स्टेट जब डेवलप हो गए तो भाई, तो बॉटम लाइन समझ में आया, द मेन रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री, नॉट इंडिया, कोई भी कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है? उसका पॉपुलेशन, कोई भी कंट्री का। अब जितना पॉपुलेशन ज्यादा लिटरेट है, स्किलफुल है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, उतना ही वो कंट्री का ग्रोथ भी है। So this chapter is belongs to such kind of things. Have you understood the little bit concept? Yes. Okay. But you get language they have used, which is not immediately understand. तुरंत पता नहीं चलता। हाँ,
स्लोली स्लोली यू विल कम टू नो. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया. अब इतने सारे लोगों को डेवलप करना है, राइट? तो गवर्नमेंट ने ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट किया इन द ईयर यूएनडीपी ने इन द ईयर 1990. अब ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्कीम है, इनका रोल क्या था, ये लोग क्या करते थे, इन्होंने क्या अच्छे अच्छे काम किए, बस यही है क्वेश्चन हम लोग का आज. क्वेश्चन समझ में आया? अभी क्या पढ़ाने वाला हूं कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सम काइंड ऑफ प्रोग्राम एंड सम काइंड ऑफ स्कीम इन द ईयर 1990 एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट प्ले द रोल फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंसान. हमारे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया, दैट इज द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन समझेगा तभी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा. Have you understood? पहले कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ. मैं डायरेक्ट जंप नहीं करता क्वेश्चन लेके. हाँ चलो भाई क्वेश्चन. सी पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटायरली प्लेटफॉर्म. मतलब हम लोग उस चीज को जो पढ़ने जा रहे वो क्यों पढ़ने जा रहे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. क्यों? क्योंकि बाद का मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है. When you people have understood why we are learning this, then 50% काम 40% काम उधर ही हो जाता है. 60% वो जो लिखा रही था वो, जैसे अभी मैंने आपको बोला कंट्री का डेवलपमेंट होने के लिए ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए. यू पीपल हैव जस्ट इमेजिन. यस करेक्ट बोल रहे हो सर, राइट? जब आप लोग डेवलप हो गए, ग्रेजुएट हो गए, तो अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इलिटरेट नहीं रहेंगे, पॉवर्टी खत्म हो जाएगा, भारत से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा. भारत में कितने लोग बेरोजगार है, पुअर है. जब आप पढ़ोगे लिखोगे भाई तुम लोग डेवलप हो जाओगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी. इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना. पॉपुलेशन के बाद, नेक्स्ट पॉपुलेशन के बाद कौन से चैलेंजेस है हमारे? अनएम्प्लॉयमेंट है भाई. तुम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहने वाले हो? नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लोगे. यस और नो? अभी पैसा कमा रहे हो तो पुअर भी नहीं रहोगे. तो इसका मतलब दोनों प्रॉब्लम खत्म हो रहे. तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा फोकस एजुकेशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए भी है. न्यूट्रिशन का मतलब होता है अच्छी चीजों को कंज्यूम करना, फूड, और इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस किया है. द वे पीपल आर लिविंग देयर लाइफ, राइट? एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया है, मल्टीपल थिंग्स के लिए. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम हैज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1990. और उन्होंने क्या क्या काम किए और उसका क्या क्या रिजल्ट आया वो हम लोग को देखना है, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट. मैं थोड़ा फास्ट, अभी जो बोला मैंने वो सब इसी के अंदर दिखेगा, इसलिए आई विल बी लिटिल बिट फास्टर नाउ, राइट? इन द पैराग्राफ ऑफ मीनिंग. सो पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन वैल्यूएबल रिसोर्स. हर एक कंट्री का सब पॉपुलेशन उसका क्या होता है, रिसोर्स होता है. ये भी बोला मैंने. आगे नेचर बाउंड्री का कम सिग्निफिकेंस व्हेन ओनली पीपल फाइंड अ यूजफुल. कोई भी नेशन कब ग्रो करेगा, जब उसके अंदर की पब्लिक यूजफुल है. मेरे लायक तुम लोग काम करोगे. अभी कंट्री के लिए तो हम लोग ही होंगे ना. जब कंट्री के लिए हम लोग कब बनेंगे यूजफुल, जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा रोजगार कमाएंगे तो हम लोग उसके लिए यूजफुल है, बराबर? इट्स पीपल, इट्स द डिमांड एंड एबिलिटी दैट्स टर्न इनटू द रिसोर्स. अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी टर्न इनटू द रिसोर्स. कंट्री के लिए रिसोर्स हो गया ना. मैं भी मेरे कंट्री के लिए रिसोर्स हूँ. मैं इंडिया के लिए एक अच्छा रिसोर्स हूँ, बिकॉज मैं कम से कम 25-30 लोगों को सैलरी देता हूँ. मतलब मैं हमारे कंट्री के लिए गुड रिसोर्स. नेक्स्ट वन, हैंस द ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स. द हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेट पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट. काम एक्चुअली रिसोर्स के डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा. लोग हेल्दी होने चाहिए, सही बात है. लोगों को बोला जाता है कि आप 70-80 साल जीना चाहिए. कुछ लोग बड़ा आएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर थोड़ी देर के बाद. एक पॉइंट कुछ आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी करके आएगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है पीपल शुड बी लिव अ लॉन्गर लाइफ, दैट्स कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अच्छी बात है, जीना चाहिए. सब लोग को जीना अच्छा लगता है. कोई बोलेगा मैं 60 साल तक जिएगा, कोई 70, कोई 80, कोई कोई 90, कोई 100 के ऊपर भी जाता है. यस और नो? रेयर पीपल, पीपल आर लिविंग अ लॉन्गर लाइफ. बट आई सेड दैट इट शुड बी अ लॉन्गर लाइफ, बट इट शुड बी हेल्दी लॉन्गर लाइफ. 60 साल के बाद टांग ऊपर करके घर पे बैठा हो गए, देखो क्या जिंदगी है वो. बॉटम लाइन क्लियर हो गया? उल्टा नुकसान है. 30 साल आप अगर 60 साल 65 साल के बाद घर पे बेड पे चले जाते हो
15 साल 20 साल चल बैठ रहे हो, ये देश के घर का भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है, क्योंकि 15 20 साल आप जॉब नहीं कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, डिपेंडेंट बन जाओगे. सो दैट्स द वर्ड हेल्दी, इट्स अ मैटर अ लॉट. अंडरस्टूड द हेल्दी का वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा. तो न्यूट्रिशन भी आ जाता है इसी के अंदर. तो कोई भी कंट्री का रिसोर्स कब आपका फोन थोड़ा प्लीज रिक्वेस्ट उसका भी रहेगा, रिक्वेस्ट करता हूँ साइलेंट मोड पर डाल दीजिए. आपको ठंड लग रही है तो आप पीछे लास्ट बेंच पे जाके बैठ सकते हो, प्लीज आप वो लास्ट बेंच पे जाके बैठ सकते हो. दो पीपल आर फीलिंग दैट कोल्ड, राइट? अब आपको समझ में आया बेटा? चलो ठीक. Human resources like other resources are not equally distributed all over the world. They differ the educational level, age, sex. कोई भी resource, सीधी सी बात है. Population अगर count करोगे तो सबका age अलग अलग होता है. Sex मतलब male, female अलग, gender अलग 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 होता है, right? कोई education की सबका अलग अलग होता है. तो human resource calculated in a different matter. Education किसी कोई भी com है, कोई M com है, कोई और PhD की है, ये सुन लो. कोई male है, कोई female है. बराबर. सो सब डिफर है रिसोर्स. नाउ द पॉइंट नंबर 3 पैराग्राफ. द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, आई सेड दैट UNDP हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द ईयर 1990. अब ये रिसोर्स को और यूजफुल बनाने के लिए, हमारे कंट्री के रिसोर्स को, पॉपुलेशन को और डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट किया. उस कमिटी का नाम था UNDP. ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? 1990 को स्टार्ट हुआ. अब इसने का काम किया नीचे, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्ब्रेस इनलार्जमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन चॉइसेस. मतलब दिस पीपल हैव फोकस ऑन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, दिस पीपल फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, political development. It is the enrichment of human lives which is the real wealth of the society. जब इन सब का सो डेवलपमेंट होगा तो वो हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे कंट्री के लिए क्या बन जाएगा? वेल्थ. वेल्थ का मतलब समझ में आया ना? वेल्थ मतलब होता है प्रॉपर्टी. आपका आपका वेल्थ क्या है? आपके फैमिली का वेल्थ क्या है? Those people who are carrying the property, gold, मनी, इट इज यूर वेल्थ, राइट? सो कंट्री का वेल्थ क्या है मालूम है क्या? यू पीपल आर द वेल्थ ऑफ द कंट्री. आप कंट्री के वेल्थ हो. कंट्री आपसे ग्रो होगे, इंडिया आपसे ग्रो होगा, इंडिया मुझसे ग्रो होगा. हमारे कंट्री का वेल्थ हम लोग है, करेक्ट है? नाउ द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. नाउ सी आई सेड दैट इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए ट्राई किया. सो इकोनॉमिकली सोशल मतलब क्या? सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंशियली. समझ में आया? इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंशियली एंड सोशल मतलब सामाजिक. नाउ द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. अभी यूएनडीपी ने जो स्टार्ट किया था 1990 को, उसका क्या रोल था हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए? तो पहला पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड वाइल द इकोनॉमिकल ग्रोथ. यह आया यहाँ पे वर्ड आया कंट्री का. आई सेड दैट इकोनॉमिकल ग्रोथ इज डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन डेवलपमेंट. वही लिखा है यहाँ पर भी, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा आगे पीछे. मीन्स अचीव एंड एंड द ह्यूमन कंडीशन शुड बी इम्प्रूव. कंट्री का ग्रोथ कब होगा? जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा. आई सेड, मैंने क्या बोला? मीनिंग से लैंग्वेज लिटिल बिट डिफर. सो व्हेन आवर कंट्री विल बी ग्रो, व्हेन द पीपल एंड ह्यूमंस ऑफ आवर कंट्री विल बी इम्प्रूव. Next one, human development can be contribute reduction of civil disturbance in the society and increase political stability. Okay, disturbance. कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, जैसे example, human development से लोग अच्छा सोच रखते हैं. The good thoughts is very important. जैसे example, कहीं कहीं पर कभी कभार हम लोग ने देख, कभी दंगल होती है, मोर्चा लगता है, भारत बंद, भारत बंद. उस दौरान अभी देखो हाथ से क्या क्या होते हैं. अगर कोई बस चलती रहेगी, कोई ऑटो चलती रहेगी, लोग चार जन जमा होंगे, उसको जलाएंगे, बस को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे,
ये कैसे सोच के लोग हैं, छोटी सोच के, दे आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन अवर कंट्री, सच काइंड ऑफ पीपल। तो ये सब कब होगा मालूम है क्या, व्हेन पीपल विल एजुकेटेड, सोच बदलेगी, राइट, करेक्ट है कि ना? एक विद्या बालन का एक आड़ा था बहुत टाइम पहले, उसके अंदर एक मोह रहा था, कुछ ऐसा था, सोच बदलो शौचालय बदलेगा, ऐसा कुछ था। I said mobile not allowed. You have to keep it mobile in outside class. अबे online lecture attend करेगा तू? एक काम कर, बाजू के classes में बैठ और online attend कर। नहीं सच में, चार दिन अच्छे से पढ़ लेंगे तेरे वही। Okay. So now, आप लोगों का डेवलप होगा तो आपका सोचने का तरीका भी डेवलप होगा। यू विल नॉट क्रिएट द पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्टर्बेंस इन अवर कंट्री। ये कौन करते? छोटी सोच वाले लोग करते। अभी बोलो किसका इसमें, मैं बस जलाऊंगा, मैं ऑटो जलाऊंगा, किसका नुकसान हो रहा है अल्टीमेटली? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को क्या पड़ा है, वो पैसा कहां से वसूल करेगी? टैक्स वापस डबल कर देगी। Are you getting what I'm trying to tell you? Yes, so, इसके लिए humans development is very important. जब आपको खुद को पता चलेगा ये आप करके आपका ही नुकसान कर रहे, right? It's government property. It's not the government property. It's a public property. It's our property. Right? Third, तीसरी बार हो गया। I said that third time हो गया। Now fourth was last. देखो मैं तुम लोग को समझ में आ रहा है, मैं उसको कितनी बार बोलता हूँ। सो नाउ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ आई एम गेटिंग इरिटेटेड हियर, आई एम गेटिंग डिस्टर्बड हियर। जैसे समाज में कुछ छोटी सोच के लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वैसे ही अपने क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, मैं अभी फाइनली डिसाइड नहीं करूंगा, यू पीपल विल फाइनली डिसाइड। आप लोग आते हो उसके साथ, तो यू पीपल आर डिसाइड फाइनली क्या होना चाहिए, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग। चलो तीसरा पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कंसर्न विद द विडनिंग नॉट मियरली इनकम चॉइसेस, ऑल कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम चॉइस रिलेटेड इकोनॉमिकल सोशल एंड कल्चरल। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑक्योर थ्रू द प्रोविजनल एजुकेशन। अभी इससे कैसे होगा ह्यूमन का डेवलपमेंट, जब ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन फॉर फैसिलिटी, इंक्रीज और लिटरेसी रेट, बराबर है ना? आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना सर, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होगा, सीधी सी बात है, तो बिना पढ़े भी हम लोग लिख सकते हैं। अरे सब लोगों को एजुकेशन मिलेगा, हमारे देश का लिटरेसी रेट कम होगा, और क्या क्या करना चाहिए, स्पेशली अमंग्स द वुमन, वुमन्स में स्पेशली, टेंड टू रिड्यूस द बर्थ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब थोड़ा जो बर्थ रेट है वो थोड़ा घटना चाहिए, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे ज्यादा मर रहे ड्यू टू एनी डिजीज वो अभी नहीं मरने चाहिए, राइट? ये सब करने से ह्यूमंस का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट वन, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। अच्छा, अगर आपका ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया ना, तो उससे और एक अच्छी चीज होगी, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज होगा और लिटरेसी रेट भी इंक्रीज होगा। अब मैंने लिटरेसी रेट यू नो वेरी वेल, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब होता है पीपल लिविंग अ लॉन्गर लाइफ। अपने देश का लाइफ लिटरेसी रेट मालूम है क्या है, 67.5, मतलब एवरेज इंडिया के अंदर लोग 67 एज तक जीते, 67 एवरेज, हमारे इंडिया का एवरेज लिटरेसी, मतलब लिटरेसी रेट नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है पीपल आर लिविंग अ लॉन्गर लाइफ, जितना लंबा जीते हैं, तो एवरेज इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 67.5, मतलब एवरेज इंसान यहाँ पे 67 एज तक जीता है इंडिया के अंदर, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ह्यूमंस का डेवलपमेंट होगा, तो भाई आप लंबा भी जी सकते हो,
आप लिटरेट रेट इलिटरेसी रेट इंक्रीज होगा नीचे. Human resource development helps to bring the research and development and motivate research in a various educational institute. अरे लोग educated बनेंगे तो they started doing the research. जब research survey करेंगे तो उससे कुछ pro cons बाहर आएंगे तो development भी करेंगे. तो जब research होगा तभी तो development होगा, right? So people are when it is possible जब they will become a educated. जब educated होंगे तब research भी करेंगे और research करेंगे तो development भी. The human development tend to increase the human productivity. अच्छा, अगर सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला, हमारे कंट्री के लिए भी हम लोग एक इन्वेस्टमेंट, एक रिसोर्स ही है ना. अगर आप लोगों का सारे ह्यूमंस का डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का फायदा देखो क्या हो सकता है. इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन विच रिजल्ट इन अ हायर प्रोडक्टिविटी. मतलब एक अच्छा ह्यूमन हमारे कंट्री के लिए एक प्रोडक्टिव है ना. देखो, एक जॉब करने वाला इंसान, एक जॉब नहीं करने वाला, दोनों में से हमारे कंट्री के लिए प्रोडक्टिव कौन है? बिकॉज़ ही गिव्स पर कैपिटा इनकम, टैक्स दे रहा है, टैक्स के साथ पीसीसी भी दे रहा है. पीसीसी का मतलब देखो भाई, दो चीजें होती है, पीसीआई और पीसीसी. पीसीसी का मतलब होता है पर कैपिटा कंजम्पशन और पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम. अब बताओ, आप बोलोगे कि इसको डेवलप ह्यूमन से कंट्री का क्या फायदा. देखो कंसेप्ट, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है भाई. अभी पीसीआई और पीसीसी, तो पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम और पीसीसी का मतलब होता है पर कैपिटा कंजम्पशन. नाउ देयर आर टू पीपल, मिस्टर ए और मिस्टर बी. देयर आर टू पीपल. Mr. A is working having a salary of rupees 1 lakh rupees. Mr. B is illiterate, no education, no job, salary. Now I'll make the difference. Country ka development inke upar kyu depend hai? Simple language. Now you can see that this guy is unemployment. Unemployed hai. ना इसका इनकम है, बट पर कैपिटल इनकम जीरो. इज नॉट अर्निंग ना, नॉट अर्निंग मतलब इनकम जीरो. तो ही आर अनेबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स भी भरोगे. पहली बात, इनकम में से आपके जाकर देखो, एक तो सैलरी का जॉब सैलराइड बनोगे या बिजनेस करोगे. बिजनेस करोगे तो भी जीएसटी भरना पड़ेगा और जॉब करोगे तो भी टैक्स भरना पड़ेगा, सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा. दोनों तरफ से पैसा गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा. नाउ दूसरा पीसीसी. पीसीसी का मतलब कंजम्पशन, मतलब एक्सपेंडिचर. जितना ये देखो, जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा खर्चा भी करेगा. द पॉइंट इज वेरी क्लियर. आई विल बाय द मोटर कार, आई विल बाय द एनीथिंग. भाई हर घर पे टीवी लेके आएगा, फ्रिज लेके आएगा, बराबर. आई डू द एक्सपेंसेस, आई अर्न द 1 lakh रुपीज सैलरी ऑन अ मंथ. I'll do expenses. अब मैं टीवी खरीदेगा, फ्रिज करेगा उसमें तो, अरे तो फ्रिज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करते हो आप. जब खर्चा करोगे तब गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा ना. बिकॉज देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स आर रिलेटेड टू मी. अब मैं मोबाइल लूंगा तो मोबाइल आप देखो जाके, ऐसा नहीं है 10,000 का मोबाइल, 10,000 प्लस जीएसटी. आप जो फीस भरते हो ना, दैट इज यूर इंक्लूडिंग जीएसटी. बिकॉज आई हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. Getting it? What I'm trying to tell you. Yes. So, बेटा, आप जितना कमाओगे और उससे गवर्नमेंट को फायदा कम मिलता है, लेकिन जितना खर्चा करते हो उससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है. इसीलिए समझ में आया एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए. बिकॉज ऑफ दिस पीपल पीसीआई और पीसीसी दोनों इंक्रीज होते हैं. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. मतलब यू पीपल आर एक वेल्थ हो हमारे कंट्री के लिए, एक इन्वेस्टमेंट हो. Right? Now, I think last point bacha hai, aur productive bhi ho. Last point, the concept of human development is universally by nature. It's applied to the less developed and highly developed country. In short, the human development embraces the entire society. Achha, ye concept important hai. Meri baat suno, is pe theek hai likha hai. Inhone likha hai, ye concept kahan par follow hota hai? Less developed country ke andar aur high developed country. I also said that
it should be applied to all countries. Because it's a universally applicable. Universally nature का मतलब होता है it is applicable to all. कोई country बोल नहीं सकती है हमें human development का जरूरत नहीं, right? So universally applicable का मतलब होता है it's applicable to all world. Clear? I think the question has over here, right? If I'm not wrong, so I'll go to the index part. One, two, three, four, five, six. Economic is running faster. छोटे छोटे chapter है इसलिए fast है. Because as I said that last year के textbook में ये population, employment, poverty, उसके साथ और एक था, ये चार मिला के एक chapter बनाए थे. और आप लोगों को इस साल क्या कर दिया? उसको चार चैप्टर बना दिए. मतलब इसका एक ही चैप्टर पिछले साल में पढ़ा रहा था, तीसरा चैप्टर नंबर तीन पॉपुलेशन अनएम्प्लॉय, ये सब एक ही चैप्टर में था. तुम लोग को और इजी करके दे दिया, इसको डिवाइड 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 कर दिया, इसलिए फटाफट हो रहा है. अब वो पांचवा वाला चैप्टर दे दो पेज का ही था, पन्ना खोला दूसरा पन्ना खोला तो खत्म ही हो गया. Thank you.
Considered the biggest challenge development of India. Development of Arthur Fu bol diya. ओए बाबा चाहेगा रुको अब बेटा ये मुन्ना तुम बाजू वाले को हैंड ओवर कर अभी फटाफट वहां से जहां से खत्म किया वहां से तू रेड कर तुम मुन्ना बैठ जा बुक किधर है तेरा मेरा तेरा